wanted to quit when I moved to Kota. इतने सारे बच्चे थे जो आपके दोस्त वो सब आगे बढ़ने लगते हैं लाइफ में एंड लास्ट ईयर पे बैठ के मेरे को आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा भाई तू रुक All three of us are looking really good in my new line of t-shirts. More yes. about that at the end of the video. Class 12 student who was preparing for the NEET examination at a coaching institute allegedly committed suicide. A 19-year-old girl has taken her own life. Four students who had to appear for the NEET exams died by suicide. Suicides have become so common to hear about during preparation for competitive exams. आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक एग्जाम ही तो है यार एक कोचिंग है नॉर्मली थ्री आवर पेपर है व्हाट इज लीडिंग देम टू टेक देयर ओन लाइव्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स एंड इट्स गोना बी वेरी रियल बिकॉज मी एंड माय फ्रेंड्स हैव एक्चुअली फेस्ड इट बट द गुड न्यूज इज दैट वी हैव ऑल कम आउट ऑफ इट एंड वी आर डूइंग स्ट्रांग हम एकदम अच्छी अच्छी जगह है इस टाइम पे सो डू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो The dark side, it has four dimensions to it and first one is the competitiveness. Vidhi, आप तो बोलते थे कि competitiveness से आपको फायदा होता है, so उसकी dark side क्या है? यार competitiveness तब तक ही अच्छी होती है जब तक कोई healthy competition हो जब तक आपको ये ना लग रहा हो कि यार इसको सीट मिल गई तो वो मेरी सीट ले लेगा क्लास में आपके होते हैं 100 बच्चे 150 बच्चे टीचर माइक से पढ़ा रहा होता है और आपको इतना ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है ना कि मैं यार इन सारे बच्चों से कैसे कम्पीट करूँ ऊपर से बच्चे भी कोई हेल्पफुल नहीं होते हैं आई केम टू दिस न्यू ब्रांच ऑफ आकाश एंड आई जॉइंड अ लिटिल लेट लाइक 1-2 वीक्स लेट एंड एवरीबडी यूज्ड टू लाफ एट मी कि यार इसको यही ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता मेरे को शर्म आती थी अपने किसी दोस्त से डाउट पूछने में क्योंकि वो इतना डीमोटिवेट कर देते थे ऑब्वियसली देयर आर टू वेज टू डील विद इट मैंने उसको ऐसे डील किया कि भाई तू रुक मैं तेरे को बताती हूँ कैसे होता है और मैं बहुत पढ़ लेती थी फिर बट मोस्टली यार लोग क्या होते हैं ना लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो हमें एक चीज बोलते थे कि देखो सीट सब के लिए है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा मेरी सीट ले लेगा व्हेन आई मूव टू कोटा इतने सारे बच्चे थे थाउजेंड्स ऑफ किड्स एंड सब एक ही कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं सो व्हेन आई वेंट आउट देयर व्हेन आई सॉ कि कितने सारे बच्चे इस चीज के तरफ जा रहे हैं जिसके लिए मैं एम कर रही हूँ सो इट गेव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड हर टेस्ट से पहले उन सारे बच्चों को देखना और यही सोचना कि दे आर डूइंग बेटर देन मी मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि देखो तुम अपने आप को ये समझो कि तुम्हारे अलावा सारे बच्चे स्टूपिड हैं उस रूम में मैं जब KVBI का पेपर देने गई थी ना कम से कम 1,000 से 2,000 किड्स थे उस सेंटर पे एंड मैं बस अपने दिमाग में सोचती जा रही हूँ विधि सब स्टूपिड है तेरे अलावा तेरा सिलेक्शन होगा कोई तेरी सीट नहीं ले रहा है तेरी सीट पक्की है KVBI में करके और मैं यही अपने आप को कॉन्फिडेंस देती थी तो इसीलिए आई डेल्ट विद इट इन अ पॉजिटिव वे बट अ लॉट ऑफ पीपल सकम अंडर द प्रेशर ऑफ देयर फ्रेंड्स अंडर द नेगेटिविटी ऑफ द होल थिंग दैट नोबडी वांट्स टू सक्सीड प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा डिफेम्ड और सबसे ज्यादा नेसेसरी पार्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आई थिंक आई गॉट वेरी लकी विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिकॉज थिंग्स गुड हैव गॉन वेरी रॉन्ग विद मी जो मैंने 9th-10th में आकाश ज्वाइन किया था उसमें हार्डली 10-15 बच्चे होते थे और आई वॉज द स्टार ऑफ द क्लास लाइक हमेशा आगे बिठाते थे हमेशा अटेंशन मिलती थी बट व्हेन आई केम टू क्लास 11th और मैंने ब्रांच चेंज करी एंड आई सॉ लाइक 150-200 people sitting in a class and a teacher with a mic and I was late I guess 5 minutes I just went to the last seat क्योंकि वही खाली थी and last seat पे बैठ के मेरे को आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा मैं fresh घर से बाहर निकली थी it was very difficult for me to adjust to that area syllabus shift था because I belong to an ICSE school and then अचानक से NCERT पढ़ना एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था प्लस घर पे ये होता है कि यू हैव योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स टू टेक केयर ऑफ यू टीचर्स वर नॉट दैट सपोर्टिव बिकॉज दे यूज्ड टू गिव अटेंशन टू द टॉपर जो उनके ब्रांच के 9th-10th में टॉप किया था जिन्होंने वो हमको उतनी अटेंशन नहीं देते थे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि तुम अपने आपको विक्टिम ब्लेम करते हो और कोचिंग की खराब है नहीं तुम मेहनत करोगे वो देखेंगे ना कि तुम मेहनत कर रहे हो तुम्हारे दुश्मन नहीं है वो तुम्हें पुश करेंगे आई वाज शिफ्टेड टू द टॉपर्स बैच बेसिकली ऑफ 15-20 स्टूडेंट्स एंड उसमें फिर मतलब वही है कि गलत तो है ही कि हमको बहुत अटेंशन मिलता था एक मैंने बहुत यूनिक सी चीज जो एक्सपीरियंस करी थी वो ये था कि मैं ना स्टूपिड क्वेश्चंस लेके अपने टीचर्स के पास ही जा सकती थी क्योंकि मुझे लगता था उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे यहाँ है तो मैं अगर उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछूंगी ना तो वो मेरे में डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे बट फिर माँ मेरे को बोलते थे पागल है क्या वो तेरे टीचर्स हैं इतना मत सोच तू उनको पैसे देती है तेरे को पढ़ाने के लिए वो ना तुमको इतना हवा में वो कर देते ना कि तुम इससे नीचे करे तो तुम यू आर नोबडी वही है ना एक विशेष सर्कल बन जाता है कि आपको अच्छे टीचर्स ही मिल रहे तो इससे आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे टॉपर्स आर द रैंकर्स एंड द एवरेज स्टूडेंट्स आर द बैंकर्स डू योर बेस्ट इन द फर्स्ट बिगनिंग मंथ इटसेल्फ ताकि आप टॉपर्स बैच में आ सको
अगर नहीं हो पाया तब भी लाइक कंटिन्यू टू डू एज वेल एज यू। ये मत सोचो, मेरे बैच में कोविड के टाइम हम उन बच्चों से कभी मिले नहीं, ड्रॉपर बैच के थे वो जो हमारे बैच में शिफ्ट कर दिए थे, तो लॉकडाउन के टाइम उन्होंने इतना अच्छा किया कि हमारे बैच से ना सब लोग जलते थे। मैंने तो अपने कोटा वाले दोस्तों से क्या क्या नहीं सुना है कि 300 400 500 बच्चों की क्लास होती थी और वो अगर उनके मार्क्स नहीं आते थे तो उनको नीचे वाले बैचेस में डाल देते थे एंड फिर वो यही सोचते थे कि यार मेरी रैंक ऊपर आ जाए ताकि मैं एटलीस्ट टीचर से पढ़ पाऊँ। So the next side is physical health. I think all parents can relate when I say that physical health is something that we all worry about. हमारे टीचर ने हमें ये बोला था कि एक बात बताओ विधि, मान लो तू और तेरा कोई दोस्त है वो बैठे हैं, ठीक है, तुम दोनों पेपर दे रहे हो, तू पेपर दे देते थक गई, मैं जेन्युइनली थक जाती थी, मैं फिजिक्स तक आते आते ना यूज टू गेट ड्रेन्ड एंड देन आई रियलाइज यार ये तो मेंटल ड्रेन नहीं है, ये तो फिजिकल ड्रेन है, मैं थक गई हूँ तीन घंटे बैठे बैठे। द सेकंड पॉइंट इज इफ यू आर नॉट हेल्दी यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव द प्रिपरेशन डेज। नीट की प्रिपरेशन करते करते हम मील्स स्किप कर देते हैं या हम एक्स्ट्रा मील्स ऐड कर देते हैं। इन अ कोर्स ऑफ जस्ट 10 मंथ्स आई गेन्ड समवेयर अराउंड 8 to 10 kgs। आई वॉज जस्ट बिंजिंग ऑन जंक फूड बिकॉज मैं इसका खाना पसंद नहीं आया, सो जस्ट कीप ऑर्डरिंग एंड ऑर्डरिंग। बिकॉज ऑफ द चेंज इन फूड मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगे, मुझे हेडेक होता था, आई गॉट माइग्रेन एंड उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट होती थी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, उसकी मेडिकेशन चल रही थी, सो मच ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन माई बॉडी, तो मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। इतना बोलने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि फिजिकल हेल्थ लिटरली एक मेक और ब्रेक फैक्टर है जिससे आप आगे निकल सकते हो और शायद आप बहुत ही पीछे जा सकते हो। Although I feel that physical and mental health go hand in hand, Vidhi, tell me what kind of mental health issues did you face? I was always a very confident kid. So, मेरे को इतने issues होते नहीं थे, but सही में NEET के 2 साल ने मेरा confidence भी shatter करके रख दिया था एकदम। बचपन में I was a very confident kid, जैसे मैं plays करती थी, मैं street play करती थी, बहुत कुछ करती थी and I always used to win. Because it was like I used to work hard, I used to deliver and I used to get the result. But NEET is very different, coaching is very different. It's like you might deliver and you still might not get the results. It just depends on a 3-hour paper. Yeah, that's where your psychology comes into place. I started getting really affected by my AIATS marks in the beginning. And of the guilt that I am disappointing my teachers and my parents. And it's all in your head, you know. Your teachers are leading their life, we are leading our lives. It's all in your head, that guilt. ये बुरा नहीं लग रहा कि यार और पढ़ना है, ये बुरा लगता था कि यार मम्मी को मार्क्स कैसे बताऊंगी, वो तो वैसे ही बोलती है सिलेक्शन नहीं होगा, टीचर्स को मार्क्स कैसे बताऊंगी, वो मार्क्स देख के बोलेंगे हमने तो तेरे साथ विधि इतनी मेहनत करी, इतने सारे डाउट सॉल्व करे और व्हाट आर यू गिविंग दिस रिजल्ट। घर पे रहते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा सेग्रीगेटेड फील होने लगता है, लाइक यू नो एवरीबडी आपके स्कूल से जो आपके दोस्त है वो सब आगे बढ़ने लगते हैं लाइफ में, दे स्टार्ट डूइंग कॉलेज एंड ऑल, बट आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप पढ़ रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मेरे को तो साफ साफ कोचिंग में बोल भी दिया जाता था कि विधि ये परफॉर्मेंस रही तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, एंड मेरे को वो बार बार टफ टू टेक फॉर अ यंग किड, फॉर अ यंग किड हु इज रियली वर्किंग हार्ड, इट्स नॉट लाइक शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, बट कॉन्फिडेंस तो शैटर हो ही जाता है, मतलब लगता है यार ऑल यू कैन डू इज वर्क हार्ड, बट इन द एंड यू माइट स्टिल नॉट गेट द रिजल्ट। फॉर मी इट वॉज वेट गेन इशू एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड इट्स नॉट ईजी एंड इट्स सो स्ट्रेसफुल, यू नो, मतलब 12-12 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, विद कोई फ्रेंड्स नहीं आपके, यार आप 12 घंटे पढ़ोगे, आप 8 घंटे सोओगे, 4 घंटे में आप खाना वाना खाओगे, फ्रेंड्स का तो कोई टाइम ही नहीं होता, कि आप बहुत लोनली हो जाते हो। आई वॉज वेरी लोनली, आई डेंट हैव माई पेरेंट्स ओवर देयर, आई डेंट हैव माई सिबलिंग्स, so I had to make some friends, I had to talk to them. I personally know friends who started smoking and started drinking secretly, especially droppers, जिन्होंने ये शुरू कर दिया था just because they were like कि उनको तो स्कूल में नहीं जाना होता, एटलीस्ट मैं स्कूल में थोड़े मजे कर लेती थी, वो बहुत मतलब इट्स लाइक दे वर सकम्बिंग टू द प्रेशर, दे वर लाइक कि भाई हाँ मैं पढ़ लूंगा 12 घंटे बट एक चीज़ जो मेरे को रिलैक्स करेगी वो ये नहीं कि अपनी फैमिली से बात कर लो या कोई सीरीज देख लो, दे वेंट टू रियली हार्ड कोर स्ट्रेस रिलीविंग हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड दे गॉट अडिक्टेड एंड नाउ दे आर लाइक addicted medical students. We are in second year and अभी तक we are trying to overcome वो damage जो हमने अपने drop year में face किया. Trust me, वो 3 घंटे exam के they're not worth it के अपनी mental health, physical health खराब करके वहाँ तक पहुँचो. If you're not well yourself, इस profession में आके how will you help others? This shows how important it is to work on your psychology. And I'm so happy that you were able to do it. But a lot of students who were not able to do it, I
प्लीज रीच आउट फॉर हेल्प इफ यू आर वन ऑफ देम. आई रिमेंबर सो मेनी टाइम्स दैट आई वांटेड टू क्विट. आई एम लाइक ये नहीं होगा मेरे से. और मामा मेरे को बोलते थे विधि तू 520 मार्क्स ले, बस AIETS में बस 520 ले, आगे काम देख लेंगे. मेरे 500 भी नहीं आते थे स्टार्टिंग में, ऐसा था. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. आप 520 लाओगे, आप 550 लाओगे, आप ही को अच्छा लगेगा. आई होप सो व्हेन यू ऑल विल बी इन अ मेडिकल कॉलेज बिकॉज वी ऑल्सो अल्टीमेटली रीच्ड हियर. तो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, आई डोंट वॉन्ट के यू ऑल्सो फेस द सेम इशूज जो हम लोग फेस करते हैं. कीप अ गुड शेड्यूल फॉर योर सेल्फ जहाँ पे आप रेगुलरली खाओ, रेगुलरली थोड़ा सा एक्सरसाइज करो. Try to take out a time for yourself जहाँ पर you just sit and segregate your thoughts कि मुझे ये करना है, मैंने ये पढ़ा, अब मैं थोड़ा सा time अपने लिए निकाल रही हूँ. That is very important. Basically just remember that you're in competition with yourself. Yeah. अगर आप ये सोचिए चलोगे तो आपको दूसरे के competition से चिंता ही नहीं होगी, इतना stress नहीं होगा. Plus पता है ये भी है कि मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी खराब मार्क्स है. हाँ मेरे को थोड़े दिन बुरा लगा, 10-15 दिन तो ऐसा लगा कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता मेरा. बट इन द एंड ना वही रियलाइज हो यार, इतना वर्क कर लिया अपने ऊपर. नीट के टाइम जो मेंटल स्टेट है वो कभी शायद आ नहीं पाएगा दोबारा. उतना स्ट्रगल, उतना डेडिकेशन के साथ बस पढ़ते रहना, कुछ नहीं सोचना, अपनी हेल्थ. मेरे को ना खाना खाना एकदम नहीं पसंद, बट मैं इतना खाना खाती थी नीट के टाइम जस्ट उस पेपर के लिए. मतलब ये समझ में आता है कि यार अगर उस टाइम पे तुम अपना एक स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो, तुम इतने डिसिप्लिन हो सकते हो, इतने डेडिकेटेड हो सकते हो, तो तुम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अचीव कुछ कर ही लोगे. और उसके बाद से इसने जो खाना शुरू किया फिर ये खाती ही जा रही है. एनीवेज गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड ये आबिदा की टी-शर्ट्स हैं गाइस, यू शुड चेक देम आउट. एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स. यू कैन डू इट, ऑल ऑफ अस हैव डन इट, बट यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रांग. एंड दैट इज व्हाट दिस वीडियो वाज अबाउट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. कॉम्पिटिटिवनेस, गुड या बैड? वर्स्ट टेस्ट इफ देयर इज अ टर्म. मेरी इतनी अच्छी टी शर्ट पहन के इतने गंदे डायलॉग्स मत मारो शिवम. हेलो डॉगो, डू यू लाइक द टी शर्ट्स? ही लेफ्ट ओनली. गाइस थोड़ा फैशन शो कर लो, एक वॉक कर लो मेरे लिए. मेरी इतनी अच्छी टी शर्ट्स, एक ट्वर्ल कर लो. ट्वर्ल तुम भी ट्वर्ल करो शिवम. विधि शिवम बोथ टुगेदर. अरे दोनों टुगेदर, व्हाट डज टुगेदर मीन? आय हाय, नजर ना लगे. कई दफा इन्हें काम के पैसे नहीं मिलते तो कई बार इनसे पैसे छीन लिए जाते हैं, और कई बार तो इन्हें पीटा तक जाता है.